शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करने जा रही हैं। वैसे तो इस बजट से सभी की अलग अलग उम्मीदें हैं, पर स्टॉक मार्केट की बात करें तो बजट से उसकी उम्मीद और इंतजार दोनों ज्यादा होती हैं। ऐसे कुछ खास उम्मीदों का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं जो आपके लिए भी जानना जरूरी है, क्योंकि इससे आपको मार्केट में निवेश करने में आसानी होगी। वित्तीय गिरावट को रोके सरकार। बैंकों और एनबीएफसी में तनाव निवेशकों और स्टॉक की कीमतों पर बहुत असर डाला है। मार्केट को इंतजार है कि वित्त मंत्री वर्तमान क्रेडिट फ्रीज के बारे में क्या कहेंगी। इसके अलावा एनबीएफसी और बैंकों को उनके मौजूदा हालात से निकालने की क्या योजनाएं होंगी। एलटीसीजी या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का फिर से शुरू होना बाजार के लिए बड़ी परेशानी थी। इक्विटी मार्केट के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि एलटीसीजी को हटा दिया जाएगा ताकि नए निवेशक शेयर बाजार की तरफ आकर्षित हो सकें। एसटीटी, मौजूदा कानून के मुताबिक इक्विटी फंडों पर एसटीटी या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दोगुना वसूली करती है। एसटीटी को हटाने से निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिलेगा, जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं। सेक्शन 80C के तहत छूट में बढ़ोतरी। लंबे समय से मांग भी हो रही है और बाजार को उम्मीद है कि वित्त मंत्री 80C के तहत निवेश की सीमा 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक कर दें, ताकि स्टॉक मार्केट में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो सके।